सिकंदरा विधानसभा क्षेत्र में निर्दलीय प्रत्याशी धर्मेंद्र पासवान उर्फ गुरुजी ने खैरा प्रखंड में अपने चुनावी कार्यालय का उद्घाटन किया। इसी क्रम में एबी न्यूज संवाददाता राम झा से खास बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि वे सदा कांग्रेसी रहे हैं। अभी हम लोग पहुंच चुके हैं सिकंदरा विधानसभा, और सिकंदरा विधानसभा में कांग्रेस से बागी हुए धर्मेंद्र पासवान जी निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में अपना भाग्य आजमा रहे हैं और इन्हें चुनाव चिन्ह के रूप में सेव छाप मिला है। चुनावी मैदान में है, लगातार जनसंपर्क अभियान चला रहे हैं। किस प्रकार से इस चुनाव में इन्होंने किन मुद्दों को लेकर चुनावी मैदान में ये उतरे हैं, बातचीत करेंगे इनसे। धर्मेंद्र जी, स्वागत है आपका। जी नमस्कार। क्यों आप सदा से कांग्रेस का झंडा ढोए डंडा ढोए, आखिर आपको बागी क्यों होना पड़ा कांग्रेस? बागी होना पड़ा, ऐसा कुछ परिस्थिति आ गई कोरोना काल में। 22 मार्च से हम जो काम करना शुरू किए क्षेत्र में, साबुन सैनिटाइजर सामग्री, कहीं वज्रपात हुआ, किसी तरह कोई घटना घटी है, हम जनता के बीच में हमेशा रहा। लेकिन पार्टी इस तरह के नहीं सोची, पार्टी नहीं सोची तो हमको ये कांग्रेस है, कांग्रेस का ये सीट बचाना है, इसलिए मुझे मजबूरी में बागी होकर के यहाँ तक आना पड़ा और जनता जनार्दन ने हमको चुन के यहाँ तक भेजा है। तो कांग्रेस से तो आपके पूर्व के सिटिंग MLA हैं बंटी चौधरी जी, तो फिर आप क्या, आखिर ऐसा कारण हुआ? बंटी चौधरी जी धरातल पे नहीं, वो फोर व्हीलर पे हैं, जमीनी स्तर के आज तक के कोई भी काम नहीं किए हैं, ना जनता के कभी बीच में गए हैं, ना जनता के कभी दुख में शामिल हुए हैं। वो शामिल हुए हैं पटना में, बीबी के अपनी बर्थडे में शामिल हुए हैं, उसके बीच में आए हैं, लेकिन कभी जनता के बीच में नहीं आए, सिकंदरा विधानसभा की जनता के बीच में कभी नहीं आए। आखिर अभी भी क्षेत्र में क्या मूलभूत समस्याएँ बरकरार हैं? अभी तो हम निर्दलीय प्रत्याशी हैं, जो 70 साल में नहीं हुआ वो हम करके दिखाएंगे। जनता का विकास का काम करेंगे, रोजगार का काम करेंगे, सिंचाई का काम करेंगे, शिक्षा में जो भ्रष्टाचार होता है उसका रोकने का काम करेंगे। अगर आप जीतते हैं तो क्या आपकी प्राथमिकता क्या होगी, सबसे पहले किस काम को आप पूरा करेंगे? पहले मेरा काम होगा, पहले सिंचाई पे मैं फोकस करूँगा, उसके बाद नौजवान को रोजगार देने का काम करेंगे। जहाँ तक कोशिश होगा हम नौजवान का रोजगार देने के काम करेंगे। क्या लगता है इस क्षेत्र में सबसे अधिक जो मूलभूत समस्या है, सबसे बड़ी समस्या क्या है इस क्षेत्र की? बेरोजगारी। बेरोजगारी जी। क्या सड़क सिंचाई नल कूप शौचालय ये सब है? सर देखिए, बेरोजगारी आ गया तो उसी में सड़क आ गया, सिंचाई आ गया, बिजली आ गया, उसमें सारे चीज आ जाते हैं। निर्दलीय आप उम्मीदवार हैं, अगर जीतते हैं चुनाव तो क्या फिर किसी पार्टी से अगर आपको जोड़ा जाएगा सरकार बनाने के लिए, तो आपकी क्या ख्वाहिश है, किसके साथ आप जुड़ेंगे? हम तो कांग्रेसी हैं, ख्वाहिश क्या, मैं कांग्रेसी हूँ, मेरे बाप दादा कांग्रेसी, मेरे खून में रोम रोम में कांग्रेसी हैं, तो यहाँ तो कोई विकल्प ही नहीं, मेरा एक ही विकल्प है कांग्रेसी, इस सीट को मुझे बचाना है। इससे पूर्व पहले कभी आप कोई चुनाव लड़े हैं, मुखिया पंचायत प्रतिनिधि? 2008 में मुखिया के चुनाव लड़े थे। क्या हुआ रिजल्ट? उसमें मुझे हार गए थे, लेकिन मेरा अच्छा मार्जिन रहा, थर्ड पोजिशन था मैंने। तो आखिर इस बार चुनाव में आप किस रूप में देख रहे हैं, क्या वोटिंग का समीकरण किस रूप में है, कास्ट बेसिस है या फिर आपका अपना कुछ पकड़ है? जी मेरे पास कोई कास्ट अथी नहीं, सब मेरे साथ में है, फॉरवर्ड हो बैकवर्ड हो अल्पसंख्यक हो हरिजन हो, सब मेरे साथ में है। चुनाव में किसको अपने टक्कर में आप देख रहे हैं? मेरे टक्कर में कोई नहीं, शेर किसी के सामने टक्कर नहीं लेता, वो खुद शेर है। चुनाव चिन्ह आपका सेब है, क्या अपील करेंगे लोग जनता से? सेब तो देखिए भगवान का रूप है, बजरंगबली भी जब श्रीलंका पे चढ़ाई किए थे पहले आहार सेब का ही किए थे। अपील क्या करेंगे, चुनाव में वोट देने जाए जनता, वोटिंग 28 को, तो क्या उनसे अपील करेंगे, कितने नंबर पर आपका चुनाव चिन्ह है? 11 नंबर है, सेव छाप 11 नंबर। साफ तौर पर मैं धर्मेंद्र पासवान जी वो पैरासूटी नेता के विरोध में उतरे हैं जिन्होंने सिर्फ क्षेत्र में पैरासूट से ही सिर्फ नॉमिनेशन के लिए और कभी कदाल घूमने के लिए आए होंगे। क्षेत्र का समस्या उसी प्रकार से बरकरार है, ज्यों का त्यों है, और अपने क्षेत्र के चहुमुखी विकास के लिए, क्षेत्र की जनता की सुविधाओं को उपलब्ध कराने के लिए, एक बार जनता की सेवा करने के लिए चुनावी मैदान में उतरे हैं। और अपना इनका जो चुनाव चिन्ह है सेव छाप, इनके जो मतदान क्रम संख्या जो है वो 11 नंबर पर में है, जनता से अनुरोध कर रहे हैं कि उस 11 नंबर पर में अपना बहुमत दें और इन्हें विजयी बना करके सिकंदरा विधानसभा से पटना भेजें।
सहयोगी नंदन जी विजय जी के साथ, राम झा, अजय भारत, सिकंदरा विधानसभा।